जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो दिस इज़ माय न्यू वीलॉग। वेरी सॉरी कि काफ़ी देर के बाद मैं दोबारा लाइव हुआ हूँ। सो तो लेकिन आज का जो वीलॉग है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। दिस इज़ माय YBR और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मैंने कंडीशन में उसको रखा है। अभी तक इट्स टोटली इट्स लाइक 8000 ड्रिवन। और आप सबको पता है कि YBR में जो फ्रंट ब्रेक है दैट इज़ डिस्क ब्रेक, और जो बैक ब्रेक होती है दैट इज़ ड्रम ब्रेक। ऑल्दो इट्स अ गुड ब्रेक अगर कंपेयर करें बाकी जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल बाइक्स हैं उनसे, बट आई फील के थोड़ी सी एक्यूरेसी और चाहिए। जो स्टैंडर्ड शायद मेरे हैं उसको ये मीट नहीं करती, उतनी एक्यूरेट नहीं है, उतनी रिस्पॉन्सिव नहीं है जितनी मुझे चाहिए। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान आई एम श्योर दिस इज़ माई फर्स्ट वीलॉग, इससे पहले किसी ने ये वीलॉग नहीं बनाया होगा। और आई एम गोइंग टू इंस्टॉल डिस्क ब्रेक जो कि मैंने चाइना से इंपोर्ट की है, और अभी आप उसका मैं क्लोजअप दिखाता हूँ। यस, सो दिस इज़ द डिस्क ब्रेक और ये मेरे टूल किट है कंप्लीट। आई एम हैविंग कंप्लीट टूल किट विद मी और अभी आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा। और आई होप यू विल लाइक माई वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। कोई ज़रूरत नहीं किसी भी आपको मैकेनिक के पास जाने की, इस वीडियो के सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें और यू कैन इजीली इंस्टॉल इन YBR, YBRG, YBRZ किसी भी बाइक में, इवन इन सुजुकी GS। सो आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका दिखा दूं कि ये इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। ओके, मैंने पहले से इसको ओपन की हुई है। तो दिस इज़ द डिस्क, ठीक है जी, जिसके ऊपर हमारे कैलिबर लगा हुआ है। डिस्क के अंदर हमारे ऑलरेडी ये डिस्क पैड इंस्टॉल हैं, ठीक है जी। ये इसका लीवर है, यहाँ पे इसका लगेगा ये वाला पोर्शन, ये यहाँ पे यूँ अटैच हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। और इसके साथ ये इसकी मैंने साथ परचेज़ की है सेपरेट, अदरवाइज़ आपको अपनी पुरानी वाली जो एग्जिस्टिंग वाली स्टॉक वाली है उसमें आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, तो उसको मैं छेड़ने जा रहा था कि वो जेन्युइन पार्ट है। सो ये इसके साथ हम अटैच करूँगा, अभी आपको बताऊँगा। ये यहाँ से पुल होगा, प्रेस होगा इस वाले पॉइंट से, और उसके बाद ये कॉन्टैक्ट इनके साथ होगा और फिर ब्रेक अप्लाइड होगी। और ये इसका ब्रेक फ्लूड है, कोई स्पेशल फ्लूड नहीं, जो गाड़ी का जो ब्रेक ऑयल होता है सिंपल वही इसके अंदर ब्रेक ऑयल यूज़ होता है। और इसको मेरा जो आइडिया इस वक्त है वो कुछ इस तरह का कि इसको मैं इस जगह पे कुछ प्लेस करूँ यहाँ, ताकि इसको रिफिल करने में भी आसानी हो और आपकी ये जगह भी सेफ हो। यहाँ पे ये होता है कि आपके पाँव से टांगों से भी जगह दूर होगी, यहाँ पे लगेगा ये वहाँ पर लगेगा, और पाइप काफ़ी लंबा है, आई गेस इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट और ट्रिकी चीज़ है इसके अंदर वो ये है, ये वाली चीज़, ये वाली एक्चुअली जो चीज़ होगी व्हील के अंदर होगी। ये वाले जो स्टड्स हैं ये आपके व्हील हब को अंदर से पकड़ेंगे, व्हील हब के अंदर जाएंगे, इनको हम यूँ खोलते जाएंगे यहाँ से और ये चीज़ जाके उसको पकड़ लेंगे, ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टेप इसका ये है फ़िलहाल कि हम पहले ये वाले जो इसके स्क्रूज़ हैं इनको ओपन करेंगे। सो इनको ओपन करने के लिए ये मैंने परचेज़ की है मार्केट से एल की, इसको आप यूँ डालेंगे खोलेंगे, ये डिस्क कैलिपर इसी सेपरेट हो जाएंगी और इसको हम इंस्टॉल करेंगे इस वाली हब के अंदर। तो लेट्स मूव ऑन और इसको अभी हम डिसेंबल करते हैं पहले व्हील को स्टॉक वाले को और फिर इसको लगाते हैं। सो अभी जो मैं टूल रिक्वायर्ड है इसको ओपन करने के लिए वो है, सबसे पहले तो हम ये चीज़ को ओपन करेंगे, ये जो हमारी मेन हब का जो रॉड होता है, उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे, इससे हमारा जो डिस्क ड्रम्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। उसके बाद हम इसको डीअटैच करेंगे जिसने हमारा इस पूरी हब को पकड़ा होता है। तो टूल की अगर बात करें तो जो इसकी ऑपोजिट साइड है उसके लिए मैं ये रैंच यूज़ करूँगा, और जो ये वाली साइड है इसके लिए मैं के पास आई गेस यस ये
19 mm की जो है कैप वो यूज़ होगी। आई डोंट नो, सो कुछ लोग गोटी भी बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट्स द राइट वर्ड इसके लिए। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। ओपन करते हैं इसको। हाँ, तभी से गंदे में स्टार्ट हो गया। ओके जी, सो हम इसको ओपन करेंगे। इस पर लॉक लगा होता है ये छोटा सा, जो कि मैंने हाथ से ही ओपन कर लिया, सेफ्टी लॉक। और बस ये याद रखिए कि हर चीज़ आपने एज इट इज़ ही वापस लगा ली है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, खुद भी कर सकते हैं। बाजार से करवाना चाहते हैं मैकेनिक से, पे कर दें मुझे। मैं देख रहा था एक फेसबुक पेज पे, आई गेस जो कुछ लोग थे जो कह रहे हैं, क्लेम करते हैं कि वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन किसी ने अभी तक कोई वीडियो अपलोड नहीं की। आई बिलीव आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। जितनी डिटेल मैं बना सकता मैं बनाऊँगा आपके लिए। इसको थोड़ा सा हिट करेंगे यहाँ से,
ओके गाइस, ये ओपन हो गया, बहुत इजी था। ठीक है, वहाँ से ओपन कर दिया मैंने। ये इसका ड्रम है, ड्रम एज इट इज ही ऊपर आ जाएगा। ड्रम आपके सामने है, लेदर कंडीशंस अभी भी बहुत अच्छी हैं अगर देखा जाए। 8000 किलोमीटर चल चुके हैं। ऑलवेज़ आई वुड रिकमेंड यू ऑलवेज़ यूज़ जेन्युइन लेदर, डोंट गो फॉर आफ्टर मार्केट, क्योंकि वो हार्ड होते हैं और वो आपकी जो ये चीज़ है इसको ज़ाया कर देंगे। और अच्छा खासा एक्सपेंसिव रेम है, दैट वुड कॉस्ट यू अराउंड, जो पेयर है मेरे ख्याल से मैंने लास्ट चेक किया था मार्केट में, अराउंड 14 to 15,000। तो कोई ज़रूरत नहीं सस्ता चीज़ें करने की। बाइक इतनी एक्सपेंसिव अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप प्लीज़ प्रोडक्ट भी जो उनसे वो OEM, तो जनरल प्रोडक्ट हैं वो यूज़ करें। तो ये जी कंडीशन है इसकी, अभी भी आई कुछ नहीं मिला चाहिए भाई, 8000 और चल सकते हैं जो कंडीशन है इस वक्त। खैर अभी तो यूज़ नहीं होंगे। अच्छा जी, तो लेट्स पुट इट ऑन अ साइड। अब ये मेन चीज़ है, ठीक है जी, इसके अंदर हम वो हब सेट करेंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये इसमें जाके बैठेगी, ये चीज़ लाइक दिस। अभी मैं क्या करूँगा कि मैं इसको अभी ओपन करूँगा ताकि फिर हम उसको फर्दर टाइट कर सकें। देर आर जस्ट 4 स्क्रूज, ठीक है। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, एक बड़ी एक लोगों ने न्यूज़ फैलाई हुई है मार्केट में कि जो आपके स्टॉक टायर्स होते हैं, जो ये स्टॉक टायर अलाउड है, ये ट्यूबलेस नहीं हो सकते, और या इस तरह की बातें, ये जो गर्म हो जाते हैं, सब फजूल बातें हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं। इससे स्टॉक टायर, ये देख सकते 1998 सर्विस वाला अपना टायर है, मैंने सिर्फ ये इंस्टॉल की है, इसके अंदर ट्यूब रिमूव की है और इसमें मैंने ये इसकी जो ट्यूबलेस वाले वॉल्व होते हैं वो इंस्टॉल की है, अभी तक परफेक्ट चल रहा है। आज तक इस 8000 किलोमीटर प्लस में जस्ट एक बार पंचर हुआ है, और वो भी मैंने बाद में जाकर पंचर लगवा लिया, हवा भर ली थी, आराम से मैं मरी से घर पहुंच गया। तो इवन अगर आप चाहते हैं, मेरी वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में मिल जाएगा, मैंने एक पैसे परचेज़ किया था जब डॉलर था 100, आई गेस लेस देन 130 था, तब मैंने परचेज़ किया था। मुझे ये दो मैंने ली थी पेयर्स, दीज पेयर्स कॉस्ट मी अराउंड आई गेस 160 or 170 रुपीज़, अभी 200 का हो जाएगा, हो गया होगा प्रॉबली, इतने का होगा। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा दोनों ट्यूबलेस करें, जिंदगी में सुकून रखें, जाए के पंचर और आखड़े हो जाए। सो ये हमने रिमूव किया, ठीक है जी, लेट्स पुट इट ऑन द साइड। ये वो हब है जो उसके ऊपर आ जाएगी। थोड़ा सा ये एक्चुअली इसका कवर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इसको हमने एक्सेस करना तो किस तरह करें, ये इसका कवर है, इसमें ऐसे किया और ये कवर रिमूव, ठीक है, ये देख के सील इसकी वेस्ट ना हो, क्योंकि ये चीज़ कल को पानी से आपको बचाएगी। लेट्स पुट इट ऑन अ साइड, ठीक है जी, अभी हम इसको फिक्स करते हैं। मेरे ख्याल से इसको भी हम क्लीन कर ही लें, खुला तो सही है।
ऑलरेडी आप देख सकते हैं बैठ गया बीच में। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम टाइप करना स्टार्ट करेंगे ताकि ये बिल्कुल अलाइंड हो जाए। रिक्वायर्ड इस ये वाली जो टूल की डिफॉल्ट मिलती है बाजार से 12 और क्या 14 लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है यूज़ करना और हमेशा आपने क्रॉस में टाइप करना है। मैं खुद इसको फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना इजी है। अच्छा बहुत सारे टाइट नहीं कर देना कि वो ये एल्युमिनियम का बना होता है कि इसमें वो खड्डे ही पड़ते हैं और लूज़ भी नहीं रखना कि ये ना अगर ब्रेक मारे और ये हो जाए बिल्कुल नॉर्मल सा। आपका हाथ खुद ही बता देगा कि आपको कितनी लाइक ज़रूरत है उसको पुश करने की। ओके टाइट हो गए एक बार चेक कर लें इसको। ठीक है जी ये वाला थोड़ा सा लूज़ कर रहा हूँ। अब वर्क करूँगा तो आई फेस ये फ्री हो जाएगा। नट्स हैं इनको फर्दर टाइट करके पीछे वालों को उससे होगा कि ये फ्री नहीं होगा दोबारा इसको और टाइट करके पकड़ कर।
वुड एवर सजेस्ट यू कि हमेशा इसको हाथ से पहले करें, क्योंकि ये एल्यूमिनियम के बने होते हैं अंदर से, और अगर एक हल्का सा भी ये टेढ़ा हो गया तो ये वेस्ट कर देगा आपका अंदर जहाँ भी जिस जगह भी टाइट होता है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के डिस्क है, 4 mm ये लिखा हुआ है, आई होप आप रीड कर सकते होंगे। हमेशा क्रॉस में कभी भी ऐसा नहीं करना कि एक साइड ट्राइड पर टाइट। फुल टाइट अभी नहीं करेंगे, हम इसको कर लेंगे। अगर आप क्रॉस टाइट नहीं करेंगे ना तो ये चलते हुए ऐसे से बबलिंग करेगी। मैंने इसके नीचे पेपर रखा हुआ है ताकि फ्लोर के साथ लग के इसकी कोई साइज खराब ना हो। कैलिपर और चीज़ें ये लगाएंगे इसको वापस, ठीक है जी, लाइक दिस। प्लेस कर देंगे वापस, लेट्स मूव देयर। ओके गाइस, चीज़ ये दिखानी थी मैंने कि डिस्क लग चुकी है। ये जो रबड़ है ये बेसिकली जो आप जो ट्रांसमिशन चेंज कर रहे हैं आपके जो पिछली वाली जो गरारी होती है चेन की वो इसके साथ अटैच हुई होती है, तो जो जर्क आता है जब आप रेस काम ज़्यादा कर रहे थे तो ये चीज़ होती है जो उसकी प्ले को कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। आई होप आपको पता ही होगा। तो ये हम वापस लगा देते हैं, ये निकालते हुए निकल गए थे जी। और हाँ, ये जो कम वाली साइड है ये अंदर की तरफ होगी, ओपन वाली साइड बाहर की तरफ होगी, ठीक हो गया जी। चेक टाइट कर लें अच्छी तरह, लेट्स जी मूव।
यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, ये हमारा स्कीपर वापस आ गया है। ठीक है जी, इसके साथ इसके ये दो आए हुए हैं। ठीक है, हम इस ये वाले यूज़ करेंगे जो पैकेट में आए हैं। उसकी रीज़न ये है कि इन दोनों की जो लेंथ है ये एक्चुअली जो जेन्युइन इसका अपना उसकी इक्विवेलेंट है। ठीक है, लेकिन ये सेंटर से कटे हुए हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे एंटर करेंगे इसके अंदर,
3 viewers, this is the final product. I have installed disc brake. Test drive मैं ले आया हूँ इसकी, परफेक्ट. अच्छा जब आप लगाएंगे उसे बिल्कुल परेशान नहीं होना. जब फर्स्ट टाइम आप इसको चलाएंगे तो ये जो पैड्स हैं ये सेट होने में थोड़ा सा टाइम लेंगे, लाइक नॉट मोर देन हाफ किलोमीटर्स, ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम अपनी जगह बनाते हैं उसके अंदर. तो जब मैंने इसको लगा के चलाया तो मैं भी थोड़ा परेशान कह रही, ब्रेक तो उस तरह रिस्पॉन्सिव नहीं है, लेकिन जिस तरह आधा किलोमीटर कंप्लीट हुआ साथ ही ब्रेक सेट हो गए. थोड़ा सा इसमें से धुआं भी निकलेगा, ठीक है, क्योंकि अपनी जगह बनाएगा वो, और उसके बाद नो नीड टू वरी, इट्स गुड टू गो. हर चीज़ कर ली है मैंने, टेस्ट ड्राइव ले चुका हूँ, बस अब मैंने ये चीज़ें काटनी है. मैंने कहीं पे कोई होल नहीं किया ताकि बाइक ख़राब ना हो, ये बिल्कुल फिक्स्ड इसके साथ, क्योंकि इसमें आप थोड़ी सी इसको रूम देने होती है क्योंकि शॉक्स ऊपर नीचे आपके वर्क करते हैं. ये मैंने अपनी जेन्युइन केबल संभाल ली थी, बाजार से ये ले ली थी, ठीक है जी. ये मैंने एडजस्टर डाल लिया था, ये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, आप वैसे भी लगा सकते हैं, मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने अपने लिए किया है, ठीक है जी. और दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट. आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो ये भी मैं बाइक का 360 व्यू देता हूँ.